फ्रेंड्स, कुक बाइट्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ तृप्ति सक्सेना और आज हम बनाएंगे गाजर का हलवा। गाजर का हलवा थोड़ा सा टफ होता है क्योंकि इसमें टाइम ज्यादा लगता है और थोड़ी मेहनत भी लगती है, गाजर को घिसना पड़ता है, पर गाजर का हलवा बहुत ही स्वादिष्ट होता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं गाजर का हलवा बनाना। लेकिन गाजर का हलवा बनाने से पहले आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो स्टार्ट करते हैं हम गाजर का हलवा बनाना। 1 किलो गाजर जिसे हमने धो के घिस लिया है, 1 लीटर दूध, 15-20 किशमिश, 10-12 चॉप्ड बादाम, काजू 10-12 चॉप्ड, 1 कप खोया घर का बना हुआ, 2 बड़े चम्मच देसी घी, चीनी 2 कप। गाजर का हलवा बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि घी को गरम कर लेंगे। तो ये हम 2 बड़े चम्मच हमने जो घी लिए थे इसे मैं डाल देती हूँ। इसके मेल्ट होने का इंतजार करते हैं। जैसे घी हमारा पिघल जाएगा उसके बाद हम अपनी गाजर को इसमें डाल देंगे और इसको 2 मिनट या 5 मिनट तक भूनेंगे। अब हम ये गाजर डाल रहे हैं, ये थोड़ा सा पानी अपना छोड़ेगी। डाल दिया और अब हम इसे मिला लेंगे जिससे कि पूरा देसी घी इसमें आ जाए। जब कभी भी गाजर का हलवा बनाएं देसी घी से ही भूने, उसका स्वाद अलग ही आता है, एकदम मार्केट जैसा गाजर का हलवा आपका बनेगा। ये देखिए ये हमारा भुन गया, ये देखिए ऑरेंज कलर का आने लगा ये, ठीक है। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, अगर आप 1 किलो गाजर लेते तो आप 1 लीटर दूध डालेंगे, ये रेशियो याद रखिएगा आप। अगर आपने 1 किलो गाजर लिए तो आप 1 लीटर दूध डाल देंगे। तो अब मैं इसमें दूध डालूंगी। और अब इसको दूध में ही हम खूब अच्छे से बॉइल्ड होने देंगे जब तक ये सारा दूध ऑब्जर्व न कर ले, जब तक ये सारा दूध सोख ना ले तब तक हमें इस दूध को इसी में पकाना है। अब इसको दूध को सोखने में तकरीबन हमें आधा घंटा चाहिए क्योंकि दूध अपना सोखने में टाइम लेगा और गाजर अपना पानी भी छोड़ेगी, तो दोनों का मिक्सचर होने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो इसलिए आधा घंटा आप मान के चले। तो हमने ये हाई फ्लेम कर दिया है और इसको इस लिड से हमने कवर कर दिया, ठीक है। जैसे ही हमारा दूध सूखने लगेगा तो हम इसमें शक्कर मिला देंगे, उसके बाद हम खोया मिलाएंगे। तो हम दूध सूखने का इंतजार करते हैं। हमारा दूध काफी हद तक सूख गया है, इसने सोख लिया है, तो अब हम इसमें डालेंगे अपनी शक्कर और जैसे ही शक्कर डालेंगे इसका कलर चेंज हो जाएगा। मैंने शक्कर डालूंगी, शक्कर भी अपना पानी छोड़ेगी, मैंने आपको पहले बताया था। शक्कर आप अपनी क्वांटिटी के अनुसार डालेंगे क्योंकि गाजर मीठी होती है और शक्कर आप उस हिसाब से डालेंगे। अगर 1 किलो आपका गाजर है तो आप 2 कप शक्कर तो डाल ही दीजिए। और अब इसको भी हम सूखने देंगे, तो ये शक्कर डालने से ये चाशनी बनेगी ऑटोमेटिक और ये दूध में और भी ज़्यादा दूध को ऑब्जर्व होने, थोड़ा सा सूखने देंगे। तो इसको सूखने के लिए कम से कम 15 मिनट चाहिए, तो हम 15 मिनट्स का इंतज़ार करते हैं। इसकी चाशनी यानी कि शक्कर और दूध पूरी तरीके से सूख गया है, अब हम इसमें खोया डाल देंगे।
और इसे भी अच्छी तरीके से मिला लेंगे। और किशमिश डाल दूंगी मैं, बादाम डालूंगी, काजू। आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट्स हों आप और भी ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं। थोड़ा सा देसी घी हम और डालेंगे ऊपर से ताकि अच्छे से भुन जाए। देखिए कितना बढ़िया बन गया है। और अब हम गैस बंद कर देते हैं। और गार्निशिंग के लिए हम ये ड्राई फ्रूट्स इस तरीके से डाल देंगे। तो हमारा ये गाजर का हलवा रेडी हो गया है।